संघ प्रदेश में विकास को मिला एक नया परिचय, जन जन को सुविधा संपन्न जीवन हुआ अर्पण। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश में विविध क्षेत्रों का विकास वेगवंत हुआ है। मुझे देखकर भी खुशी होती है कि पिछले 5 वर्षों में दमन, दीव और दादरा नगर हवेली का विकास नई ऊंचाई पर पहुंचा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं संघ प्रशासक माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप आज यहां अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण होने जा रहा है। संघ प्रदेश में आज लगभग 1,550 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं को संघ प्रदेश वासियों को अर्पण किया जा रहा है। दादरा एवं नगर हवेली में जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है उनमें शामिल है सिलवासा आमली वाटर सप्लाई प्लांट, 5 सरकारी हाई स्कूल, कला केंद्र बिल्डिंग, मॉडल स्कूल से बस स्टैंड तक स्काई वॉकवे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉलेज में ऑडिटोरियम, अंडरग्राउंड पार्किंग और एग्जिबिशन एरिया, दादरा में इंग्लिश मीडियम स्कूल, साइली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दादरा इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्लांट, नए ब्रिज और 3 फ्लाईओवर एवं रोड्स। दमण में भी OIDC इंडस्ट्रियल एस्टेट, नानी दमण में पटालिया कॉजवे पर हाई लेवल ब्रिज, नानी दमण में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मोटी दमण फोर्ट का विकास, नवीनीकरण और सुंदरीकरण, फोर्ट एरिया में रास्तों को वाइट करने का प्रोजेक्ट, विविध सरकारी स्कूल और महाविद्यालय, वाटर सप्लाई प्लांट, वेजिटेबल एवं फिश मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे कई उल्लेखनीय परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। ये परियोजनाएं न सिर्फ संघ प्रदेश को पर्यटन के विश्व मानचित्र पर लेकर आएंगी, बल्कि यहाँ के किसानों, जनजातियों एवं युवाओं को बराबरी का अवसर प्रदान करेंगी एवं उनके लिए उन्नति और विकास की असीम संभावनाओं के द्वार खोलेंगी। सर्वांगीण विकास का सुनहरा अध्याय, संघ प्रशासन प्रतिबद्धता का पर्याय।